हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा रईस मूवी के ओवरसीज कलेक्शंस के बारे में, वो भी 3 दिनों का। जी हाँ, इंडिया के बाहर का कलेक्शंस भी रईस का काफ़ी अच्छा रहा है और आप जैसे ही सुनोगे इंडिया के बाहर का कलेक्शन आप भी सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि इंडिया के कलेक्शन अगर 3 दिन की बात करें तो वो सिर्फ 59 करोड़ आया है और इंडिया के बाहर का 3 दिन का कलेक्शन यानी कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का कलेक्शन आया है 38 करोड़। जी हाँ, 38 करोड़ इस फिल्म ने कमाया है। और जहाँ सबसे अच्छी अर्निंग इस फिल्म की हो रही है वो UAGC सर्किट है, वहाँ पे इसकी अच्छी अर्निंग हो रही है। साथ ही UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन सभी जगहों पर भी फिल्म कमाल कर रही है और USA एक बहुत बड़ा बेस है, वहाँ पर भी फिल्म का कलेक्शन अच्छा हो रहा है। उन सभी लिहाजे से देखा जाए तो 38 करोड़ बहुत अच्छा कलेक्शन है ओवरसीज मार्केट का रईस का। इससे तो इतना साबित होता है कि रईस एक अच्छी ले में जा रही है, एक अच्छी रेस उसने पकड़ के रखी है, एक फास्ट ग्रोथ उसकी हो रही है बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के हिसाब से देखा जाए तो। और ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी ये हिट फिल्म साबित होगी, कहीं ना कहीं दंगल जैसी हिट तो नहीं होगी बट कहीं इतना ज़रूर ये कमा लेगी कि इस फिल्म से जो उसकी लागत है वो निकल जाएगी, प्रॉफिट में आ जाएगी ये फिल्म और इसे ब्लॉकबस्टर फिल्म भी करार दिया जाएगा। तो जैसे ही कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें पता चलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ओवरसीज कलेक्शन से रईस के आप कितने एक्साइटेड हो वो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।